हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी जान जाओगे। आइए आपको रॉकेट रकून की ओरिजिन स्टोरी बताता हूं। रॉकेट रकून, इसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन से पहले ये एक आम पेट था और इसका ओनर भी वॉर में लड़ने वाला एक अपाहिज सिपाही था जिसे मानसिक बीमारी थी और इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन जब उस फौजी का इलाज होने जा रहा होता है तब वहां के रोबोट्स उस पेट को यानी रॉकेट को उठा के ले जाते हैं और उस फौजी के बिना मंजूरी के मासूम से रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं, जहां पर वो रोबोट्स रॉकेट को सोचने समझने की काबिलियत देते हैं और तो और उसे जेनेटिकली एडवांस बनाने के लिए उसकी कई सारी हड्डियां भी तोड़ देते हैं। और जब रॉकेट अपने आप को सबसे पहली बार आईने में देखता है तब उसे महसूस होता है कि अब वो भी सोच समझ सकता है, बोल सकता है। लेकिन इसके बावजूद रॉकेट को महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है और ऐसा ही होता है। रॉकेट की बॉडी धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर रही थी और तो और रॉकेट अब वैसा नहीं था जैसे वो पहले हुआ करता था और यही इनसिक्योरिटी उसे उसके ओनर के पास जाने से रोकती है। उसे ये लगता है कि अब उसका ओनर उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस सिनेरियो के बाद रॉकेट के अंदर डर और गुस्सा पैदा हो जाता है और वो सारी दुनिया से छिपना चाहता है। सो वेल, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैन ऑफ सुपर हीरो मिलता हूं अगले ऐसी स्टोरी के साथ। बाय।